दिवाली के इस खास मौके पर अक्षय कुमार ने फैंस को राम सेतु रिलीज करके स्पेशल ट्रीट दे दी है। फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। किसी को फिल्म काफी पसंद आ रही है तो किसी ने अक्षय की फिल्मों को एवरेज बताया है। हालांकि 25 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने शानदार ओपनिंग की है। चलिए अब आपको बताते हैं राम सेतु ने पहले दिन की कितनी कमाई की है। तो दर्शकों ने दिवाली और त्योहारों की छुट्टियों पर अक्षय कुमार की फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया है। जी हाँ, जिससे कि फिल्म को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। यही नतीजा रहा कि राम सेतु ने पहले दिन अच्छी कमाई की है। वहीं अब पहले दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का पहले दिन का कलेक्शन करीब 15 करोड़ रुपए रहा है। इसी के साथ ये फिल्म अक्षय कुमार की साल 2022 की बेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है। मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों पर राम सेतु ने पकड़ बनाई है। वहीं राम सेतु देश भर में 3100 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि राम सेतु के साथ मंगलवार को अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक्स गॉड भी रिलीज हुई है, जबकि हॉलीवुड फिल्म ब्लैक एडम भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है। देश के बड़े शहरों में जहां फिल्म को मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से औसत रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं राजस्थान छत्तीसगढ़ में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने ओपनिंग डे पर तगड़ी पकड़ बनाई है। राजस्थान सर्किट में इस फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। बता दें कि अक्षय कुमार की पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। बच्चन पांडे सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। ऐसे में हर किसी की निगाहें अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज राम सेतु पर टिकी हुई है। फिल्म ने शुरुआत तो अच्छी की है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अक्षय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी हिट साबित होती है। जल्द ही इसका खुलासा भी हो ही जाएगा, लेकिन जितना लोगों का प्यार दिख रहा है उससे तो साफ नजर आ रहा है कि इस फिल्म में लोग अक्षय कुमार को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।